हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन कंपनी के बारे में जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। पिछले कई सालों से जो है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है और अच्छा रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके का रिटर्न बनाने का पोटेंशियल जो है कंपनी रखती है। तो सबसे पहले वीडियो में हम इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करने वाले हैं, फिर जानने वाले हैं कंपनी का नाम किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं वो हम देखने वाले हैं, और लास्ट में जानेंगे SIP तो करनी है और वो कौन सा लेवल होगा जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इस स्टॉक की बाय कर सकें। ये केमिकल कंपनी है और ये कंपनी केमिकल स्पेशलिटी बनाती है, जनरली फार्मास्यूटिकल के लिए भी बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाती है। तो कंपनी का ग्रोथ होना जो है बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी में जो है SIP मोड में अगर बाय करोगे तो ये कंपनी जो है आपको मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले 5 से 10 सालों में दे सकती है। ये कंपनी में बहुत अच्छा जो है पोटेंशियल है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 13,736 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रहा है 1,585 रुपये का चल रहा है। 52 वीक हाई जो बनाया इसने 1,807 रुपये का, 52 वीक लो बनाया 1,090 रुपये का। डिविडेंड यील्ड जो है 0.06% का है, फेस वैल्यू 5 की कंपनी है। डेट टू इक्विटी देखें तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस जो है बहुत शानदार है, तो 1.5 तक भी हम कंपनी को ले सकते हैं जिस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा हो और फंडामेंटली अच्छी हो। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 49.36% का है और प्लेज परसेंटेज देखें तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी के पास जो रिजर्व यानी कि कैश अमाउंट पड़ा हुआ है वो 1,475 करोड़ का पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स देखिए पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखें तो 1,300 यानी कि 1,300 करोड़ से 1,268 करोड़ सेल्स का गिरावट हुआ है, लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 990 करोड़ से 1,268 करोड़ का हुआ है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे आप तो 242 करोड़ से 247 करोड़ का यहाँ पर बढ़ा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखेंगे तो 178 करोड़ से 247 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर टू क्वार्टर 18% से 19% का है और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में मेंटेन है 19% का। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए 123 करोड़ से 133 करोड़ का है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 90 करोड़ से 133 करोड़ का है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जो है सेल्स में थोड़ा सा गिरावट आया है, लेकिन जो है प्रॉफिट में कोई भी ज्यादा जो है चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है इस कंपनी का बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज अगर देखें तो सेल्स देखिए 3,699 करोड़ से 4,676 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 657 करोड़ से 857 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है। फिर आप देखिए नेट प्रॉफिट 316 करोड़ से 430 करोड़। तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करते हुए आ रही है। आप यहाँ 2010 से देख लीजिए 70 करोड़, 67 करोड़, 87 करोड़, 131 करोड़, फिर 149 करोड़, 188 करोड़, 252 करोड़, 360 करोड़, उसके अलावा 316 करोड़, फिर 430 करोड़। तो कंपनी जो है लगातार अच्छा प्रॉफिट करते हुए आ रही है और आने वाले 10 सालों में इसी तरीके का कंपनी जो है ये परफॉर्म करने वाली है। तो ये कंपनी जो है आपके लिए बहुत अच्छी जो है होने वाली है। अगर आप एक मल्टीबैगर रिटर्न का स्टॉक मार्केट में अगर सोच रहे हैं तो ये केमिकल कंपनी जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है और डिविडेंड भी जो है कंपनी ठीक ठाक जो है देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 10 साल का 22.26% है, बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप कितना जबरदस्त है, 24.06% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो 15.42% है। एक इन्वेस्टर्स को जो कंपनी में चाहिए होता है कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इस कंपनी में वो तीनों ही बातें अवेलेबल है। तो कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रिटर्न हमें जरूर बना के देगी, और कंपनी जो है सेफ कंपनी भी है पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिजर्व्स भी देखें तो बढ़ चुका है, 1,643 करोड़ का हो चुका है, और टोटल असेट्स देखिए आप 4,534 करोड़ का है। कैश फ्लो पॉजिटिव है और कंपनी का आप ग्रोथ देख लीजिए कितना शानदार हुआ है। ये जो फेज था यहाँ तक देखिए 2007 से
2014 तक फ्लैट रहा था, लेकिन फिर देखिए कितना बड़ा अच्छा जंप आया और कंपनी जो है इसी तरीके का तो परफॉर्मेंस जो है आगे देने वाली है। कंपनी का जो नाम है वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये शेयर महंगा जरूर है, लेकिन अगर इसको SIP मोड में बाय किया जाए तो ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। आरती इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलिंग इन स्पेशलिटी केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड होम एंड पर्सनल केयर इंटरमीडिएट्स के लिए जो है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। इसके रिटर्न्स भी देख लीजिए आप, 10 साल में 4050% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 207% यानी कि डबल होने के लिए 100% का रिटर्न दिया है, जबकि इसने तो और भी पैसा जो है ज़्यादा कर दिया अपने इन्वेस्टर्स का। इंडस्ट्री पीई के हिसाब से देखें तो पीई स्टॉक जो है महंगा है, स्टॉक महंगा है, इसलिए आप क्या करिए SIP मोड में बाय करिए। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसका देख लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो अदर DIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में जो है अच्छी खासी मूवमेंट आने वाली है। अभी निफ्टी भी करेक्ट हो रहा है तो स्टॉक में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन जो है अगर स्टॉक में आप अगर बने रहते हैं तो एक साल बाद भी स्टॉक जो है आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। 20 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है, 118 FIs का पैसा लगा हुआ है। कंपनी का अगर CV देखें तो 1984 से कंपनी चली थी, केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मिड कैप की कंपनी है, ₹1 पर शेयर 11 सितंबर 2018 को डिविडेंड दिया था और अपनी इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पे है। और रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, स्पेशलिटी केमिकल से आता है 78.44%, फार्मा से आता है 14.61%, होम एंड पर्सनल केयर केमिकल से आता है 7.0%। उसके अलावा ब्रीफ में अगर देखें इस कंपनी के बारे में तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लीडिंग एंड हाईली इंटीग्रेटेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस बेंजीन बेस्ड डाउनस्ट्रीम एंड डेरिवेटिव बेंजीन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। बेंजीन को आप जानते ही होंगे, आप अगर साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो बेंजीन एक तरीके से आपका हेक्सागन बनता है, उसी तरीके से बनता है और बीच में दो लाइंस लगती है, तो बेंजीन उस तरीके का होता है, उससे डेरिवेटिव से जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट रेंज देख लीजिए आप, पैरानाइट्रो एनिलिन बनाती है, पैराफ्लोरो एनिलिन बनाती है, इटोफाइलिन, उसके अलावा एमिनोफाइलिन, एसिफाइलिन, पिप्रेजिन, पैराफ्लोरो नाइट्रोबेंजिन, ऑर्थोफ्लोरो नाइट्रोबेंजिन, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरो एनिलिन और डाइक्लोरोफ्लोरो बेंजीन और डाइफ्लोरो बेंजीन, तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे काम आते हैं पर्सनल केयर के, होम प्रोडक्ट्स, होम प्रोडक्ट्स हो गया हमारा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, इनके इंटरमीडिएट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो है अच्छी रेट से ही ग्रो होने वाला है, इस तरीके का बिजनेस है। इसका पीयर कंपेरिजन भी अगर आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज को देखिए आप, क्वालिटी अच्छी है, उसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेंड इसका पॉजिटिव चल रहा है और वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको SIP मोड में बाय करेंगे। और इसका जो है मैंने चार्ट लगा कर रखा है 1999 से 2019 का, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का परफॉर्म किया है। और इसमें सिंपल सा एक चार्ट देख के, मंथली चार्ट पर लगा कर रखा है, सिंपल सी एक चीज देख रही है आप, ये जो 10 का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको टच करते हुए ही ये स्टॉक हमेशा से आगे बढ़ा है, कभी इसके नीचे अगर आता है तो वापस अच्छा मोमेंट देता है। तो आपको क्या करना है, SIP मोड में 25 शेयर पर मंथ बाय करने हैं और उसके बाद क्या करना है, ये स्टॉक जब भी यहाँ पर 10 के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के यहाँ पर मिल जाए, 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ₹1462 का, ₹1462 जब भी मिले यहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलेगा। 2014 से कुछ इसी तरीके का चला हुआ रहा है, आप देखिए इन चार्ट्स को अगर आप स्टडी करेंगे बहुत सारी कंपनियों के, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी को कहाँ पर बाय करना है। तो इसका क्या होगा, 25 शेयर तो आप पर मंथ बाय करो और जब भी 1462 का अगर गिरावट आती है इस स्टॉक में तो 1462 के ऊपर जो है एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर देखिए आपका रिटर्न किस तरीके से अच्छा बनता है। इस तरीके से आप चार्ट को देखेंगे, बिजनेस को एनालिसिस करेंगे, केवल चार्ट बेसिस पर ही नहीं देखिए, फंडामेंटल भी देखें, फंडामेंटल भी जो स्टॉक स्ट्रांग हो और
टेक्निकली चार्ट पर भी हमें अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो रहा हो, इस तरीके से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा जो है जरूर बनने वाला है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारा आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और खुद से भी रिसर्च ज़रूर करें। थैंक यू।